पोर्टेबल यूएसबी केबल की साउंड है, इस साउंड पर भी इस बल्ब को मैं चला के दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये बल्ब भी इसी साउंड पर भी ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि यूएसबी केबल में इसे अटैच कर दूंगा तो इसका बल्ब जो है ग्लो करेगा, जो कि इमरजेंसी में आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देख रहे हो फुल ब्राइटनेस में यह बल्ब जो है इस पर भी वर्किंग कर रहा है। कुछ भी इसमें ब्राइटनेस में कुछ भी कमी इसमें नहीं आ गई है और ये बल्ब वर्किंग में अच्छी तरह से काम कर रहा है। देख सकते हो किसी भी 3.3 वोल्ट पे चल रहा है, ओटीपी पे चल रहा है, मोबाइल पे भी चल रहा है, चार्जर पे भी ये चल रहा है। देख रहे हो कितने फ्यूचर इस बल्ब में टिके हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैंने थंबनेल पर आपको दिखाया है कि ये बल्ब जो है इसे फेंको मत, खेतों में ये काम आने वाली चीज है और ये भी एक इमरजेंसी बल्ब होता है, इमरजेंसी बल्ब के लिए। और मोबाइल पर भी चार्ज चलेगा और अपने डीसी से डीसी कनेक्टर में चलेगा, चार्जर में चलेगा। जो होता है वो कंपलसरी किसी न किसी वजह से काम में आता है और आज मैं ऐसा ही जुगाड़ आपके लिए बनाने वाला हूँ, जो जुगाड़ आपको खेतों में भी काम आ जाए, जो इमरजेंसी जगह पर भी काम आ जाए, जो मोबाइल पर भी चले और अपने चार्जर पर भी चले, क्योंकि 2-in-1 हो या 3-in-1 हो या किसी प्रकार से भी चले और आपकी जो जरूरत है, जो प्रकाश की जरूरत है, जो आपको चाहिए वो वहाँ पर मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप देखते हैं कि यहाँ पर मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ डीसी बल्ब, जो कि जो पुरानी चीज़ों से बनेगा, जैसे कि 10 से 15 रुपए में ये बल्ब रेडी होगा और आपके मोबाइल पर भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ एक बल्ब लिया है मैंने जो ख़राब है, इसे मैंने निकाल लिया है। आप देख रहे हो यहाँ से कुछ भी मटेरियल इसके अंदर नहीं है, इसका जो मटेरियल है मैंने यहाँ पर निकाल चुका है। ठीक है, देख सकते हो। तो इसका हमें क्या करना है, इस हीट सिंक का यूज़ करना है ताकि हमारे जो एलईडी, छोटी छोटी जो एलईडी होती है 3 वाट 1.5 वाट से ये लेके होती है, इससे देख रहे हो यहाँ पर 3 से 1.5 वाट में ये एलईडी आती है। इस एलईडी का यूज़ करने वाला है इसमें और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पहले इस सॉकेट को हम निकाल लेंगे यहाँ से। हीट सिंक हमें यहाँ पर चाहिए क्योंकि इसकी जो बल्ब है उसकी लाइफ बढ़े और ये ज़्यादा रोज। क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन घंटे को भी दबाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले और आप घर पर इमेजिन कर सके और नई नई टेक्निक सीख सके। ठीक है, ये हीट सिंक कभी भी इस पर नहीं चलने वाली डीसी पर, क्योंकि ये एसी करंट होता है और एसी में 200 से लेके आगे हो सकता है, इस कारण से वो इस पर नहीं चलेगी, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो हमने इस बल्ब की भी ज़रूरत नहीं, इसे हमने साइड में रख दिया है और यहाँ पर अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये साइड में रख देंगे ये दोनों चीज़ों को और इसे हम इस यहाँ पर चिपका लेंगे अपनी ग्लू गन की मदद से या किसी और। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हुआ कटा हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है, तो ये इसका नेगेटिव है, देख रहे हो यहाँ पर जूम कर रहा हूँ मैं, और ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है, चाहे तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, जैसे कि टेस्टर की सहायता से देख रहे हो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला हिस्सा है और ये है पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो ये ख्याल में आपको रखना है क्योंकि इसमें से 4-5 एलईडी इसमें लगेगी, जिस कारण से आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्या करेंगे, आप ग्लो गन की मदद से इसे चिपका लेंगे। मैं तो यहाँ पर ग्लो गन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं समय बचे इसलिए मैंने थोड़े फटाक से इसे बना दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से मैंने बल्ब को यहाँ पर रखा है, जैसे कि ये पॉजिटिव वाले हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं ये है पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव, नेगेटिव में ऐड किया है। तो हम इसे शोल्डर की मदद से इसे शोल्डर कर लेंगे और हम इस यहाँ पर इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम शोल्डर करेंगे इसको, अच्छी तरह से इसे शोल्डर करना है ताकि ये मजबूती से वहाँ पर टिके रहे और ज़्यादा दिनों तक इसकी लाइफ बने रहे। देख रहे हो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसे शोल्ड किया है, देख सकते हो क्लियर क्लियर आपको दिख रहा होगा शोल्ड किया है। तो आपको ध्यान देखना है कि कौन से पॉइंट वाले जो होते थे, जो माइनस वाले पॉइंट है ये वाले और ये पॉजिटिव वाले पॉइंट है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक वायर की मदद से इसे जंपिंग करेंगे ताकि ये दोनों भी एक जगह पर जुड़े रहे। वायर की सहायता से हम इसे जंपिंग कर देंगे, अच्छी तरह से इसे जंप कर लेना है ताकि इसकी जो क्वालिटी है उसमें कम ना हो और इसके जो ब्राइटनेस है वो भी कम ना हो। ठीक है, इसका इन 4-3 बातों का ध्यान तो रखना ही है। यहाँ पर हम इसे वायर की मदद से इसे शोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से और ये इतने जल्दी भी बन जाता है क्योंकि इतने समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये माइनस वाला पॉइंट है, तो मैं इसे माइनस को माइनस में ऐड कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ पर माइनस को माइनस में ऐड कर दिया है। तो आप इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली इस यहाँ इस जगह पर हम लेंगे, देख सकते हो इसका जो माइनस वाला सिरा है यहाँ पर ये है, इसे डायरेक्ट हम यहाँ से जंप कर लेंगे। ये बात ख्याल में रखनी है और ध्यान में रखनी है किस प्रकार से मैं यहाँ पर
वायरिंग कर रहा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ से कट कर दिया, जितना तो चाहिए उसी पर उतना ही मैंने यहाँ पर वायर को यूज़ किया है। पॉजिटिव वायर की जो भी पॉजिटिव में पॉजिटिव लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इस वाले सिरे से उस वाले सिरे तक, ठीक है, तो वायर का माप यहाँ पर लेंगे, ज़्यादा वायर हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बाकी का वायर को हम काट लेंगे कटर की सहायता से या किसी भी सहायता से। आप घर पर भी इसे आसानी से बना सकते हो, आपको सिर्फ खर्चा इसमें 10 से 20 रुपए आएगा, और बाकी की चीज़ें तो आपके घर में होती हैं, इस कारण से आपको दूसरी चीज़ों से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव इसे शोल्ड कर दिया है, देख सकते हो अच्छी तरह से। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव मैंने इसे शोल्ड कर दिया, ये रेड वायर और ये ब्लैक वायर। तो इसी मदद से हम एक छोटे से दूसरे वायर को लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर ये देख सकते हो यूएसबी केबल जो है मेरा जो ख़राब हो चुका था, इसका इस्तेमाल मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ में इस इस्तेमाल इसमें कर रहा हूँ, तो ग्लू गन को साइड में रख देता हूँ, इसका काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसी चीज़ को हम इस्तेमाल में लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बैटरी पर या मोबाइल पर किसी भी चीज़ पर कैसे चलेगा। ये 3.3 वोल्ट का है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो रेड कलर का जो वायर है, हम यहाँ पर रेड कलर से जो वायर है वो यहाँ पर चिपका लेंगे, जो रेड वायर आले वाले आए हुए हैं उसी वायर को हम यहाँ से चिपका लेंगे, और ब्लैक कलर के वायर वायर ब्लैक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे शोल्ड कर लेना है, ताकि हमें लाइफ चाहिए इसकी भी, तो लाइफ बढ़ने के लिए शोल्डर भी अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन को आप भी ऐसे बनाकर भी बेच सकते हो। अगर आप देख सकते हो स्प्रे पंप के साथ एक बल्ब आता है जो 150 से 200 रुपए में मार्केट में मिलता है, उससे ज़्यादा ये ब्राइटनेस देगा और इमरजेंसी में ये ब्राइटनेस देगा, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास होता ही है, मोबाइल के कारण इसका जो लाइफ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको भी दिखने में अच्छा होगा, ठीक है। देख सकते हो किस प्रकार से इसे हमने बना लिया है, ठीक है, देख रहे हो अच्छी तरह से इस यूएसबी केबल को मैंने अटैच कर दिया है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें जो होल्डर है इसमें फील्ड करेंगे, इस होल्डर में हम इसमें फील्ड करेंगे, उसमें बिठाएंगे। देख रहे हो यहाँ पर मैं यूएसबी कनेक्टेड यहाँ से ले चुका हूँ, तो इसके हम अंदर हम इसे बिठा लेंगे अच्छी तरह से। देख रहे हो अच्छी तरह से एकदम इसमें बैठ चुका है। तो इसका आप ब्राइटनेस हम चेक करेंगे, और चाहे तो आप इस जगह पर कैप, इसका जो कैप होता है पुराना वाला, इस कैप को भी आप यहाँ पर बिठा सकते हो। अगर नहीं बिठाना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसके जो है ये जो होल है इस होल को तोड़ दीजिएगा, यहाँ से आपको ये जो वायर है केबल ये अंदर से चला जाएगा और ये अच्छी तरह से यहाँ पर बैठेगा। तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा काट लेता हूँ। देख रहे यहाँ से मैंने इस होल्डर को काट लिया, अब इसे हम बिठाएंगे इसका इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे भी मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ से मैंने इसे भी काट लिया, क्योंकि मेरा समय जो है बचना चाहिए और आपका भी समय यहाँ पर बचना चाहिए। देख सकते हो किस प्रकार से मैंने इस केबल को अटैच किया है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से इस केबल को अटैच किया है। और बल्ब जो है हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है, वो भी मैंने आपके सामने ओनली 5 से 6 मिनट में इसे बनाया है। तो हम इस कैप को यहाँ से अटैच कर देंगे और आप चेक बारी आती है इसको चेक करने की। तो मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ कि भाई आप मोबाइल पर भी यूज़ करते हो, तो मैं पावर बैंक का इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ और मोबाइल पर भी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। डायरेक्टली OTP सिस्टम में ये चलेगा, देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से ये एकदम ओके सर्कल में हो चुका है। देख रहे हो एकदम LED बल्ब की बात हो रही थी, यहाँ पर मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको इसकी ब्राइटनेस जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस ब्राइटनेस को हम यहाँ से बंद कर देंगे, लाइट को भी पूरी तरह से, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पर ब्राइटनेस किस प्रकार से इसमें आ रही है। देख रहे हो यही बल्ब है जिसका ब्राइटनेस जो है पूरी क्वालिटी इसमें है, और ये एकदम सस्ते में बना है, ओनली 4 LEDs जो कि 2 रुपये 3 रुपये से यहाँ पर मिलेगी मार्केट में। और हम इस पावर बैंक होता ही है या मोबाइल भी होता है घर में, उस मोबाइल पर भी आप OTP की जरिए OTP की पिन से हम इस मोबाइल को चला सकते हैं, इस बल्ब को चला सकते हैं OTP के मदद से, ठीक है। तो चाहे तो OTP आप किसी भी प्रकार का यूज़ कर सकते हैं, OTP के आपका मोबाइल कौन सा भी हो इस पर डिपेंड नहीं है, आप किसी भी मोबाइल के ज़रिए इस बल्ब को LED बल्ब को यहाँ से चला सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये OTP मेरे पास है पहला, तो इस बल्ब को देख रहे हो यहाँ से मैंने इसे निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो बल्ब बंद हो चुका है और ये हो गया है OTP के ज़रिए हम इसे चला सकते हैं, जैसे खेतों में जाने के लिए या किसी और जगह पर भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चार्जर पर इसे अटैच करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोल चुका है कि ये
ये जो है 3-in-1 है, इस कारण से मैं आपको ये भी टेस्ट इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्जर लिया है और चार्जर के सॉकेट को मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया है, चार्जर इसमें ऑन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बल्ब को इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं पिन लगा देता हूँ, देख रहे हो कितनी ब्राइटनेस इसमें नज़र आ रही है, और ना टूटेगा ना फूटेगा और सस्ते में ये बल्ब बनेगा। तो मैं कह चुका हूँ कि भाई इसे कभी फेंको मत, इसका जो इस्तेमाल है अच्छी तरह से इसमें करो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बारी आती है अपने मोबाइल की मदद से इस बल्ब को चलाने की, तो वो भी मैं टेस्ट आपके सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोर्ड को साइड में लगा देता हूँ, बोर्ड की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैंने एलईडी को इसे ऑन किया है। अब मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल के ज़रिए मैं आपको इसे बल्ब को चला के दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरी खातरी हो जाएगी भाई कि मोबाइल पर ही यह बल्ब चल सकता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में इसका OTP जो है वो ऑन कर देना है, क्योंकि OTP के ज़रिए ये 3 वोल्ट का ही है बल्ब, तो 3 वोल्ट पर ये चलेगा। तो सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको पूरे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि तो यहाँ पर हम इसे OTP को चेक करेंगे। यहाँ से OTP यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि सेफ्टी मोड में होगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही है अपने बल्ब की। यहाँ पर मैं पोर्टेबल USB केबल की साउंड है, इस साउंड पर भी इस बल्ब को मैं चला के दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो, यहाँ पर ये बल्ब भी इसी साउंड पर भी ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि USB केबल में इसे अटैच कर दूंगा, तो इसका बल्ब जो है ग्लो करेगा, जो कि इमरजेंसी में आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देख रहे हो फुल ब्राइटनेस में यह बल्ब जो है इस पर भी वर्किंग कर रहा है, कुछ भी इसमें ब्राइटनेस में कुछ भी कमी इसमें नहीं आ गई है, और ये बल्ब वर्किंग में अच्छी तरह से काम कर रहा है। देख सकते हो, किसी भी 3.3 वोल्ट में चल रहा है, OTP पे चल रहा है, मोबाइल पे भी चल रहा है, चार्जर पे भी ये चल रहा है। देख रहे हो कितने फ्यूचर इस बल्ब में टिके हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।